सुपरस्टार सलमान खानची कोर्टानं निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर सलमानच्या घराबाहेर त्याच्या फॅन्सनं एकच गर्दी केली होती आणि याचा आढावा घेतला आहे आमचे प्रतिनिधी कपिल देशपांडे यांनी. सलमान 13 साल से जो उन पे केस चल रहा था उसमें से आज कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत भरी कर दिया है. क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? इसके लिए हमें बहुत खुशी है और आज हम दिल्ली से आए हैं और आज ही यहाँ आए हैं तो अच्छा दिन है. हम खुश हैं सारे, अब इंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे. उनके लिए प्रे कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि रिहाई मिले उन्हें और आज हो गया. 13 साल से जो केस उन पे चल रहा था आखिर उसमें भाई को बाइज्जत भरी कर दिया है, तो कुछ आपने सेलिब्रेशन का प्लान किया है? जी, आज शाम को सेलिब्रेशन का प्रोग्राम किया हुआ है और साथ में ये एक मैसेज है सलमान खान के लिए कि ये जो सेलिब्रेशन हम लोग करने वाले हैं उसके साथ साथ उनकी शादी हो जल्द से जल्द तो ज़्यादा खुशी मिलेगी सबको. आप कहाँ से आए हो? सर, मैं कोलकाता से आया हूँ. मेरी आज की ट्रेन थी वो मैंने कैंसिल करा दिया टिकट, मैं कल जाऊँगा. तो आप सलमान की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, तो क्या आपको लगता है कि सलमान की वो एक झलक आपको मिल पाएगी? सर, उम्मीद तो है देखने की, मगर खुशी बहुत मिल गई है यार. देखिए या ना देखिए, खुशी बहुत मिली है. अभी आपके दोस्त ने कहा कि भाई कोर्ट से भरी तो हो गए हैं लेकिन अभी उन्होंने शादी कर लेने चाहिए, वो डबल सेलिब्रेशन का मौका है, तो क्या शायद आने वाले साल में सलमान ने मौका आपको देंगे? नहीं सर, सलमान शादी कर लेंगे तो अगर वो रिटायर भी हो जाए फिल्मी दुनिया से तो उनके बेटे को तो कम से कम देख सके हम लोग, इसलिए बोले शादी कर लीजिए आप. सलमान सुटलेला आहे अखेर, निर्दोष मुक्तता त्याची झालेली आहे, काय काय मत काय? नाही, त्यांचा इंटेन्शन तर वाईट नव्हता, त्या अनफॉर्च्युनेटली झाला. हे 13 साल जे रिझल्ट यायला लागला हेच त्यांच्यासाठी एक सजा म्हणून समजायचं आणि आज त्यांनी बाइज्जत बरी झाले, आपल्या सगळ्यांना खुशी आहे, आपला भाऊ सुटला असं वाटतं आणि आज आम्ही नक्की जल्लोष करणार. Z24 तास रहा एक पाऊल पुढे.